हाय गाइस, मैं मानसू शेखर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल। पिछले वीडियो पे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आर्ट के ट्यूटोरियल वीडियो पे कि वो थोड़ा टफ है, डिजाइन जो मैंने बताया वो थोड़ा सा टफ हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो मुझे भी लगा कि फर्स्ट टाइम में कोई भी जो ह्यूमन फिगर है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और आप इससे चिट्ठी आर्ट सीख सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने वाटर कलर के ऊपर डाला था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा अब तक वो जाके जरूर देखें। साथ ही साथ कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था हिस्ट्री वाले वीडियो पे, चिट्ठी आर्ट का जो हिस्ट्री वाला वीडियो मैंने डाला था उस पर कमेंट आया था कि आप इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं, जबकि मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया है चिट्ठी आर्ट। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाएँ और वो वीडियो देखें। मैंने दो पार्ट में चिट्ठी आर्ट का ट्यूटोरियल बताया है। पहले पार्ट में मैंने स्केचिंग और ड्रेसिंग के बारे में बताया है और दूसरे पार्ट में कलरिंग और डिजाइनिंग के बारे में। तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इसे ट्राई करें, और जो भी आप पेंटिंग बनाते हैं वो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरा जो भी आने वाला नया वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो देखें। हाँ तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा कोई भी पेपर ले रहा हूँ। आप भी कोई भी ड्राइंग शीट पे स्केच बना सकते हैं और उसके बाद उसको फाइनल कर सकते हैं अपने जिस किसी भी शीट पे या बोर्ड पे आप बना रहे हैं उस पर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करूँगा जो कि नॉर्मल किसी भी आप पेंसिल से यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। रफ़ स्केच ड्रॉ करने इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं उस वक्त, और जब आपको लगे कि हाँ ये अब फाइनल करने लायक हो गया है तब आप उसको फाइनल कर सकते हैं पेन से। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही मैंने किया है ताकि आप इस चीज़ को फॉलो करें और एक सही स्केच आप एक बार में ही ड्रॉ कर पाएँ। तो आप भी ऐसा ही करिएगा। एलिमेंट्स आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पेंटिंग है आपका वो बहुत ज़्यादा भरा भरा ना लगे, वो बैलेंस्ड रहना चाहिए। कलर के मामले में भी एलिमेंट्स जो आप उसमें ड्रॉ करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें वो, या सब्जेक्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए ताकि देखने में वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता रहे। बोर्ड को अगर आप पूरी तरह से, या पेपर को आप पीछे के, मतलब पीछे जो बैकग्राउंड होता है अगर आप पूरी तरह से छुपा देंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का एलिमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि स्वान बनाया मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे फूल ऐड किया है मैंने, पीछे सन बना दिया है। इस तरह से आप भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन कलर होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो डिज़ाइन पे हम लोग को कभी कभी लगता है पेपर पे ड्रॉ करने पे कभी कभी कि शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जब हम लोग उसको पूरा बना लेते हैं तो वो अच्छा लगने लगता है। कलर होने के बाद उसके ऊपर जो डेकोरेशन होता है उसके बाद वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकता है।
तो अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने इस स्केच को पेन से फाइनलाइज कर लिया है, जेल पेन से, और जो भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन है मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ आपको देख के पता चल गया होगा, एक ओवरव्यू हम लोग को मिल गया कि किस तरह का पेंटिंग बनेगा। तो टोटल मिला के स्केच इस तरह से तैयार हो जाएगा टिकली आर्ट का। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए हैंडमेड पेपर का यूज़ किया है और एक्रेलिक कलर से उसको पेंट किया है। तो आप भी हैंडमेड पेपर पे एक्रेलिक कलर से इस ड्राइंग को बना सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं हैंडमेड पेपर पे, क्योंकि हैंडमेड पेपर पे ईज़िली पेंसिल चलता है और आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह का स्केच। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ डायरेक्ट ड्रॉ करना मुश्किल होगा, तो आप पहले उसको पेपर पे ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको देख कर आप हैंडमेड पेपर पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली हैंडमेड पेपर पे ड्रॉ नहीं हो सकता, तो आप उस जिस पेपर पे पहले आप स्केच करेंगे उसके थ्रू आप इसको कार्बन से इस पर ट्रेस कर सकते हैं अपने स्केच को, तो वो आपका स्केच जो है वो हैंडमेड पेपर पे आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि टिकली आर्ट को छाप के बनाया जाता है, मतलब उसका जो ट्रेसिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू बनाया जाता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप ट्रेसिंग आपके पास ना हो तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो आपको उसके लिए स्केच उसका बनाना होगा और उसके बाद ही आप उसका ट्रेस बना सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर ट्रेस करते हैं तो वो ट्रेसिंग एक प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि टिकली आर्ट को केवल छाप के बनाया जाता है। पहले अगर आप स्केचिंग उसका अच्छे से जानते हैं तभी आप कोई भी नया डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जिन लोग को स्केचिंग मतलब नहीं पता है टिकली आर्ट किस तरह से स्केच करते हैं, या स्केचिंग का आइडिया नहीं है, जिनका स्केचिंग में हाथ अच्छा नहीं है, वो लोग नया स्केच ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। उनको फिर स्केचिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो ट्रेसिंग बना सके। तो ऐसा नहीं है कि केवल छाप पे बनाया जाता है टिकली आर्ट, आप स्केच पहले करें उसके बाद ही आप उसको ट्रेसिंग पेपर पे डाल सकते हैं और फिर आप उसको बोर्ड पे या किसी भी पेपर पे शीट पे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। कलरिंग मैंने खुद के अकॉर्डिंग ही दिया है यहाँ पे, मुझे लगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन शायद अच्छा जाएगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह का कलर चूज़ किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं, जिस कलर से भी आप पेंट करना चाहें आप पेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे केवल बात है क्रिएटिविटी दिखाने की अपनी, तो आप खुद दिमाग लगाइए इसमें, खुद कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए और मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो कलरिंग वगैरह के लिए आप फ्रीडम है फुल, कोई भी फोक आर्ट आप देखेंगे तो वो काफ़ी कलरफुल होता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग भी काफ़ी कलरफुल होता है, टिकली आर्ट भी होता है, और भी बहुत सारे ऐसे इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे देश में जो काफ़ी कलरफुल होते हैं और बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसमें, काफ़ी बारीक बारीक डिज़ाइनिंग होता है उसमें। तो आप खुद अच्छे अच्छे एलिमेंट्स और अच्छे अच्छे कलर्स के साथ इस तरह के आर्टवर्क को आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, बस कुछ टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने का, लेकिन समय के साथ वो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कलरिंग कंप्लीट कर लिया है, अब ब्लैक लाइनिंग मैं कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो ब्लैक लाइनिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, 000 ब्रश का यूज़ करके, या फिर आप डायरेक्टली इस पेन से भी कर सकते हैं, जेल पेन से भी कर सकते हैं। थिन मार्कर्स भी आते हैं बहुत सारे आर्ट के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती हैं इन सब चीज़ों में, जहाँ पे आपको बहुत ही थिन लाइंस ड्रॉ करने होते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस पर ब्लैक पेन दोबारा चला देते हैं तो उससे होगा ये कि जो भी आपका जो ड्राइंग पहले थोड़ा सा फेड हो गया था, कलर जहाँ पे मिक्स हो गया था, आउटलाइन से बाहर चला गया था, वो सब क्लियर हो जाता है ब्लैक लाइनिंग करने से। तो ये ज़रूर कर लें आप लोग कलर करने के बाद, ताकि पूरा जो आपका ड्राइंग हो वो क्लियर हो जाए। बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को सोर्सेज का पता नहीं होता है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, उसे कहाँ से सीख सकते हैं। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका कहना था कि उन्होंने टिकली आर्ट के बारे में बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे और नेट वगैरह पे, लेकिन उनको कुछ खास वीडियो इसके ऊपर नहीं मिला इस टॉपिक पे, और जो मिला भी उससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन वैसा मिला नहीं। लेकिन फिर जाके उन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा मेरे चैनल पे आके, तो उनको इसका आइडिया मिल गया, और मैंने ट्यूटोरियल भी डाला था तो उनको वो ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा। तो ऐसे जो भी लोग हों जो आर्ट फील्ड में हैं, जो इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी इस बात का प्रॉफिट हो। टिकली आर्ट के बारे में जो लोग जानते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, तो इस पर बहुत सारे टॉपिक बनाए जा सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी इससे जुड़े हुए हैं इसमें। जैसे हम लोग कल्चर से रिलेटेड भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे हम लोग माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़, देवी देवता से रिलेटेड चीज़, हिस्ट्री से, मतलब जो भी हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है, उस सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये ड्राइंग तो मैंने खुद से सोच के इसी तरह, ताकि वो इजी एक टॉपिक मिल सके आप लोगों को, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो और इजी हो सके सीखना इसको प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने बना दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई अच्छा टॉपिक जो आपके दिमाग में है, जिसका आइडिया आपके पास है, और आप चाहते हैं कि मैं उस पर अगर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वो टॉपिक ज़रूर बताएं।